हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल आशास किचन कॉर्नर में। मेरी आज की रेसिपी है बेसन का हलवा। हलवा वैसे कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन बेसन का हलवा बहुत ही डिफरेंट और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस हलवे को बनाने के लिए बेसन या ग्राम फ्लोर 1 कप, घी 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 1 कप, वाटर 1 कप और ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम और काजू लिए हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अब एक पैन को गरम करके उसमें घी डालिए। घी गरम हो जाए तो ड्राई फ्रूट जो मैंने कट कर लिए थे उनको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। इसको मैंने पहले ही फ्राई इसलिए कर लिया है क्योंकि जिससे आपको बाद में अलग से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं करना पड़ेगा। और इनको एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लीजिए। ये देखिए, अब इसी गरम घी में 1 कप दूध डाल दीजिए और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता इसको चलाते रहिए। ये देखिए, घी और दूध आपस में उबलने लगे हैं। अब डालना है इसमें बेसन और इसको लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से मिक्स होने तक चलाते रहिए। अब इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तब तक मैं दूसरे बर्नर पर चीनी और पानी को आपस में घोलकर उसका शुगर सिरप तैयार करूंगी। ये मैंने 1 कप पानी डाला है और 1 कप चीनी। अब इनको चलाते हुए घोल लीजिए। मीडियम फ्लेम पर चीनी के पूरी तरह घुल जाने तक इसको लगातार चलाते रहिए। लीजिए, शुगर सिरप तैयार है। बेसन को अब लो टू मीडियम फ्लेम पर बार बार चलाते रहिए और इसका जब तक ब्राउन कलर नहीं आ जाए तब तक इसको हमको अच्छे से सेकना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे जल जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल लगातार चलाते रहिए। ये देखिए, अभी कढ़ाई ने घी छोड़ना चालू कर दिया है और इसका कलर भी अच्छा सा ब्राउन हो गया है, मतलब ये हमारा सिक चुका है। अब इसमें जो शुगर सिरप बनाया था उसको ऐड कर दीजिए और अभी फ्लेम को हाई रखिए और इसको बहुत ही जल्दी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए, बिल्कुल फटाफट चलाते रहिए। अब फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि इसका पानी लगभग सूख चुका है। अभी इसमें थोड़ा पानी और रह गया है, इसलिए अब इसको लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते रहिए। जब हलवा कढ़ाई की तली छोड़ना चालू कर दे, ये देखिए इस तरह से, तो इसका मतलब हलवा लगभग रेडी हो गया है। अब कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है तो इसको तब तक आपको लो फ्लेम पर चलाते रहना है। अब इसमें ऐड करना ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं, बाकी इसमें डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट डाल के भी इसको लगभग आधा से 1 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते रहिए और ड्राई फ्रूट्स हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब तक इसको चलाते रहिए इस तरह से। देखिए, हलवा रेडी हो गया है। अब इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। लीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही यम्मी बेसन का हलवा बनकर आप सबके लिए तैयार है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे न्यू रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। Bye bye. Thanks for watching.